हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल एग्रीकल्चर एनजीके। आज हम लोग बात करने वाले हैं इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय रायपुर के पीजी के क्वेश्चन पेपर और उसके आंसर की को लेके। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल नोटिफिकेशन को ज़रूर ऑन रखिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हम क्वेश्चन। तो ये ऑफिशियल आंसर की है और हम देखते हैं क्या क्या क्वेश्चन के करेक्ट ऑप्शन हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ सेकेंडरी टीलेज ऑपरेशन। इसमें पूछा है कि नॉट, ठीक है, ध्यान देने वाली बात है कि सेकेंडरी टीलेज नहीं है। तो यहाँ पे आपका करेक्ट ऑप्शन जो हो जाएगा वो होगा आपका डीप प्लोइंग। डीप प्लोइंग क्या होता है? ये आपका जो है प्राइमरी टीलेज ऑपरेशन होता है, ठीक है। खेतों की गहरी जुताई जो है आपका प्राइमरी टीलेज ऑपरेशन के अंडर आता है। ओके, नेक्स्ट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग फॉस्फेटिक फर्टिलाइजर इज़ आइडियली सुटेबल फॉर एप्लीकेशन इन एसिड सॉयल। एसिड सॉयल के लिए कौन सा जो है फर्टिलाइज़र यूज़ किया जाता है? तो आपका यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा सिंगल सुपर फॉस्फेट, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है रिपीटेटिव कल्टिवेशन ऑफ एन ऑर्डर्ड सक्सेशन ऑफ क्रॉप और क्रॉप एंड फैलो ऑन द सेम लैंड इज़ कॉल्ड। तो इन्हें क्या बोलते हैं? ये आपका कहलाता है क्रॉपिंग पैटर्न, ठीक है, ऑप्शन सी सही हो जाएगा इसका। नेक्स्ट है व्हेन हैंड पुलिंग ऑफ वीड इज एडेड बाय अ फोर्क शार्प ब्लेड और टिप ऑफ सिकल देन इट इज़ कॉल्ड। तो इसे क्या बोलते हैं? इसे हम लोग स्पीडिंग बोलते हैं, ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट बात करेंगे क्वेश्चन नंबर फाइव की। क्वेश्चन नंबर फाइव है द ड्रेनेज सिस्टम हैविंग लिटरल ओनली ऑन वन साइड ऑफ द मेन्स इज कॉल्ड। तो अगर दोनों तरफ है तो वो उसे हम लोग हेरिंग बोन्स बोलते हैं, अगर एक तरफ है तो आपका जो है यहाँ पे ग्रीड आयरन हो जाएगा। नेक्स्ट है बोरॉन कंटेंट ऑफ इरीगेशन वाटर शुड बी, इरीगेशन वाटर जो हो रहा है उसमें बोरॉन का कंसनट्रेशन कितना होना चाहिए? तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे लेस देन 3 PPM। ओके, नेक्स्ट बात करेंगे मोस्ट क्रिटिकल स्टेज ऑफ इरिगेशन इन मेज क्रॉप। मेज क्रॉप में सबसे क्रिटिकल स्टेज कौन सी होती है इरिगेशन की? तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका सी, ठीक है, सी आपका यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। इसी तरीके से बात करेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर एट की। द आइडियल ग्रोथ स्टेज फॉर हार्वेस्टिंग ओलरीटेरस जूट फॉर गेटिंग गुड इल्ड ऑफ क्वालिटी फाइबर। क्वालिटी फाइबर पाने के लिए जूट में सबसे अच्छी स्टेज क्या होती है हार्वेस्टिंग की? ओके, तो यहाँ पे आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे प्री फ्लावरिंग, ठीक है, फ्लावरिंग होने वाली हो तभी हमें इसे हार्वेस्ट कर लेना चाहिए। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग बैक्टीरिया फिक्सेस एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन थ्रू सिम्बियोसिस इन सोयाबीन। सोयाबीन में सिम्बियोसिस के द्वारा आपका नाइट्रोजन फिक्स होता है, वो किस बैक्टीरिया के द्वारा होता है? तो यहाँ पे आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ब्रेडी राइजोबिया राइजोबियम जैपोनिका, ठीक है। नेक्स्ट बात करेंगे वॉट विल बी इल्ड ऑफ राइस इन टन पर हेक्टेयर इफ एवरेज ईयर हेड डेंसिटी मीटर स्क्वायर इज 260 फील्ड ग्रेन पर पैनिकल इज़ 130 एंड टेस्ट वेट इज़ 20 ग्राम। तो यहाँ पे आपका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो होगा आपका सी 7.08। नेक्स्ट है ग्रेजिंग ऑफ सोर्गम ग्रीन फोडर शुड बी डिस्करेज इफ द हाइड्रोसाइनिक एसिड HCN जिसे बोलते हैं कंसनट्रेशन इज़, तो कंसनट्रेशन कितना होना चाहिए, ठीक है, या फिर जो भी हमारी ग्रेजिंग के लिए यूज़ करना है उसमें कितना कंसंट्रेशन कम होना चाहिए या फिर उसे हटा देना चाहिए, नहीं करने देना चाहिए ग्रेजिंग, तो वहाँ पे हो जाएगा मोर देन 5 PPM। नेक्स्ट है ट्रेंच मेथड ऑफ सुगर केन प्लांटिंग इज़ यूज्ड इन, जो ट्रेंच मेथड है वो कहाँ यूज़ किया जाता है? तो आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा कोस्टल एरिया में, ठीक है, टू अवॉइड द वाटर लॉगिंग। नेक्स्ट है अतसाली सुगर केन इज़ प्लांटेड इन, जो अतसाली सुगर होता है वो प्लांट कब किया जाता है? तो ये आपका जो है कि 18 मंथ्स की वो होती है फसल, ठीक है, और ये जुलाई से अगस्त के जो है पीरियड के में आपका ये प्लांट किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन हमारा सिट्रोनेला इज़ प्रोपोगेटेड बाई, जो सिट्रोनेला है वो प्रोपोगेट कैसे किया जाता है? सो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी स्लिप, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा स्लिप, और जो इससे होता है आपका मलेरिया के लिए आपकी दवा इससे बनाई जाती है, ठीक है। नेक्स्ट है द इन्फ्लोरेसेंस ऑफ वीट इज़ नोन एज, वैसे तो स्पाइक कहते हैं, ईयर भी कह सकते हैं आप, ठीक है, तो यहाँ पे ईयर हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है
ग्रोइंग ऑफ फील्ड क्रॉप इन बिटवीन टू वाइडली स्पेस्ड रो ऑफ फास्ट ग्रोइंग ट्री इज कॉल्ड। तो यहाँ पे आपका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा आपका एल ए क्रॉपिंग, बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है एग्री सिल्वी पास्चर इंक्लूड, एग्री सिल्वी पास्चर क्या इंक्लूड करता है, तो यहाँ पे आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका एग्री मतलब क्रॉप, सिल्वी मतलब होता है ट्री और पेस्चर मतलब होता है कि एनिमल की रेयरिंग, ठीक है, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका यहाँ पे ए। नेक्स्ट है टेरेस कल्टीवेशन इज प्रैक्टिस्ड इन, जो टेरेस कल्टीवेशन होता है वो कहाँ प्रैक्टिस किया जाता है, तो आपको सभी को पता है हिली एरिया में, ठीक है। और आपका नेक्स्ट है फिंगर लीफ डिजीज ऑफ कॉटन ड्यू टू रेजिड्यूअल इफेक्ट ऑफ, तो ये किसकी रेजिड्यूअल उसके वजह से होता है, तो ये आपका जो है कि करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा 2-4D के रेजिड्यूअल एक्टिविटी की वजह से ये आपका जो है कि फिंगर लीफ डिजीज जो है कॉटन में हो जाती हैं। नेक्स्ट बात करेंगे विच ऑफ दीज हर्बिसाइड इज यूज टू कंट्रोल वीड इन जीरो टिलेज, तो कौन सा है आपका यहाँ पे जो जीरो टिलेज में यूज किया जाता है, तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए पैराक्वेट। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन नॉन सेलेक्टिव बट सिंथेटिक हर्बिसाइड, हर्बिसाइड्स, ठीक है, तो हर्बिसाइड्स क्या है, ये आपका ग्लाइफोसेट है, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे ए। नेक्स्ट है सिरपस इज एन एग्जाम्पल ऑफ, तो सिरपस किसका एग्जाम्पल है, सो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपके यहाँ पे मार्जिनल वीट का एग्जाम्पल है। नेक्स्ट बात करेंगे फॉर मूंग बीन्स द पीरियड बिटवीन डे आफ्टर सोइंग हैज़ बीन रिगार्डेड एज अ क्रिटिकल फॉर वीट कंट्रोल, तो मूंग बीन के लिए जो है आपका वीट के लिए क्रिटिकल जो है पीरियड कितना होता है ये बताना है आपको, तो यहाँ पे आपका 5-25 days तक होता है, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका यहाँ पे। यहाँ पे आपका 5-25 days हो जाएगा। नेक्स्ट है 24 बैक्टीरिया रिस्पॉन्सिबल फॉर नाइट्रोजन फिक्सेशन इन सोयाबीन, तो कौन सी बैक्टीरिया जो है हमारे नाइट्रोजन फिक्सेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है सोयाबीन के लिए, तो सोयाबीन को जापानिकल राइजोबियम जापानिकल जो है यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट हो जाएगा हमारा क्वेश्चन नंबर 25 आइडियल मॉइस्चर कंटेंट इन सोयाबीन सीड एट द टाइम ऑफ थ्रेसिंग हैज़ बीन एस्टिमेटेड, तो यहाँ पे कितना होना चाहिए आपका, तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे 13-14 जो है परसेंट यहाँ पे होना चाहिए मॉइस्चर। नेक्स्ट है चिकोरी इज एसोसिएटेड विद, जो चिकोरी वीड है वो किस जो है क्रॉप से एसोसिएटेड होती है, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे आपका डी बरसीम से। नेक्स्ट है मस्टर्ड क्रॉप इज रिगार्डेड रेडी फॉर हार्वेस्ट व्हेन इट्स पॉड टर्न डैश इन कलर, तो किस कलर स्टेज पे आपको पॉड को हार्वेस्ट कर लेना चाहिए, तो येलोइश ब्राउन जो है आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, येलोइश ब्राउन, ठीक है। नेक्स्ट बात करेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 28 पे द प्लांटिंग बाय ट्रेंच मेथड रिड्यूस, ट्रेंच मेथड का क्वेश्चन आया था पहले भी कि कहाँ यूज़ किया जाता है और क्यों किया जाता है, अभी ये पूछ रहा है, तो ट्रेंच मेथड जो सुगर केन का है उसे क्यों यूज़ करते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा रिड्यूस लॉजिंग, ठीक है। नेक्स्ट बात करेंगे ICRICAT इज वॉज इस्टेब्लिश इन, तो सबसे पहले ये हैदराबाद में है, ठीक है, इस्टेब्लिश कब किया गया था, तो यहाँ पे इसका इस्टेब्लिशमेंट ईयर जो हो जाएगा आपका वो होता है 1972 में ये जो है इस्टेब्लिश किया गया था। नेक्स्ट है द टर्म कंटीजेंट क्रॉपिंग मीन्स, कंटीजेंट क्रॉपिंग मतलब क्या होता है, तो यहाँ पे हो जाएगा क्रॉप ग्रो फॉर प्रोटेक्टिंग वेदर कंडीशन, ठीक है, वेदर कंडीशन से बचाने के लिए मेन क्रॉप को कंटीजेंट क्रॉपिंग करते हैं। नेक्स्ट है ब्रॉड बेड एंड फैरो सिस्टम ऑफ रेन वाटर मैनेजमेंट इज यूजफुल इन एरिया हैविंग, ब्रॉड बेड और फैरो सिस्टम जो होता है रेन वाटर मैनेजमेंट के, ये किस एरिया में या जो सॉयल है उस के रिस्पेक्ट में किस एरिया में हम इसको करते हैं, तो यहाँ पे आपका जो हो जाएगा वर्टिसॉल्स, ठीक है। अब बात करेंगे वर्टिसॉल्स के बारे में कुछ, तो वर्टिसॉल्स के कुछ फैक्ट्स हो जाएंगे, जिसे हम लोग रेगर सॉयल भी बोलते हैं, ब्लैक कॉटन सॉयल भी बोलते हैं, ठीक है, श्रिंक एंड स्वेल पोटेंशियल इसमें ज़्यादा होता है, ओके, और ये महाराष्ट्र और गुजरात के एरियाज़ में ज़्यादा पाए जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट बात करेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 32 की, क्वेश्चन नंबर 32 क्या कहता है, ड्रॉट टॉलरेंस मैकेनिज्म विच शॉर्टन लाइफ साइकिल और ग्रोइंग सीजन ऑफ प्लांटेड टू रिप्रोड्यूस बिफोर द एनवायरनमेंट बिकम ड्राई, तो इसे क्या बोलते हैं,
ठीक है, टेक्निकल टर्म्स में इसे बोलते हैं हम लोग ड्रॉफ स्केप, ठीक है, बी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, इन एग्रोमेट्रोलॉजिकल ऑब्जर्वेटरी इवोपरेशन डाटा इज रिकॉर्डेड एट, तो ये बहुत ही पॉपुलर क्वेश्चन है, ठीक है, ये है आपका 8:30 सुबह, ओके 8:30 AM सुबह और 2:30 PM दोपहर को, ठीक है। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग फेवर ड्यू फॉर्मेशन, ड्यू फॉर्मेशन के लिए कौन सा यहाँ पे फैक्टर रिस्पॉन्सिबल होता है, यहाँ पे आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव यानी कि डी। नेक्स्ट बात करेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 35 की, द प्रेशर सिस्टम विथ हायर प्रेशर एट द सेंटर, हायर प्रेशर सेंटर में होता है उसे क्या बोलते हैं, तो ये आपका जो है कि करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा एंटी साइक्लोन, ठीक है, एंटी साइक्लोन इनका जो है कि करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट है, ए ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन ग्लोबली रिकमेंडेड इंडेक्स फॉर ड्राफ्ट मॉनिटरिंग इज, तो यहाँ पे आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। नेक्स्ट है, विच वन इज सेल्फ ब्लांचिंग कलीफ्लावर वेराइटी, तो ये आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, पूसा हिमज्योति विल बी करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट है, द वेराइटी ऑफ करी लीफ हैविंग पिंक पेटियोल, करी लीफ ऐसी कौन सी वेराइटी जिसका पिंक पेटियोल होता है, तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका सुवासिनी, ठीक है, डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, बुल हेड इज अ फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर ऑफ, तो ये किस जो है उसका बुलहेड जो किस फ्लावर का जो है कि फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर है, तो ये आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा रोज, ठीक है, रोज आपका क्वीन ऑफ फ्लावर है, ठीक है, क्वीन ऑफ फ्लावर रोज होता है, और किंग ऑफ फ्लावर जो है हमारा ग्लैडियोलस होता है, ठीक है, ग्लैडियोलस जो है किंग ऑफ फ्लावर होता है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है, द पोटैटो वेराइटी रिच इन एंटी ऑक्सीडेंट डेवलप बाई CPRI सिमला सुटेबल फॉर डायबिटिक पेशेंट एंड एज पर्सन, ठीक है, तो ये कौन सी वेराइटी है, तो आपकी कुफरी नीलकंठ जो है ये आपके डायबिटिक पेशेंट के लिए और एंटी ऑक्सीडेंट रिच वेराइटी है आपकी, जो कि कुफरी सिमला से जो है आपकी निकाली गई है, ठीक है। नेक्स्ट बात करेंगे, सकर्ट अ प्रिजर्व प्रोडक्ट इज प्रिपेयर्ड बाई, तो ये आपका सबको पता है, ये कलीफ्लावर सॉरी कैबेज से होता है और ये आपका फर्मेंटेड प्रोडक्ट होता है, ठीक है, ये आपका फर्मेंटेड प्रोडक्ट होता है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट बात करेंगे, द सीड रेट ऑफ अर्ली ड्यूरेशन गार्डन पी पर हेक्टेयर, तो यहाँ पे आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बी 100 to 120 kg। नेक्स्ट है, इंटरनेशनल रजिस्ट्रेशन ऑफ रोज इज लोकेटेड इन, तो यहाँ पे आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा USA, ठीक है। नेक्स्ट बात करेंगे, प्रोसेस ऑफ डिटैचमेंट ऑफ एडिबल पार्ट फ्रॉम मदर प्लांट इज नोन एज, तो यहाँ पे आपके लिए करेक्ट ऑप्शन लेकर आए हैं, यह होगा आपका हार्वेस्टिंग, ठीक है, हार्वेस्टिंग हो जाएगा, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट है 45, व्हेन ज़ेलमीटर शो इट्स रीडिंग 3/4 देन हाउ मच शुगर शुड बी एडेड, अगर 3/4 रीडिंग दिखा रहा है आपका ज़ेलमीटर तो कितना शुगर हमें जेली में और ऐड करना चाहिए, ठीक है, तो आपका यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन जो हो जाएगा वो होगा आपका बी, यानी कि 750 ग्राम आपको और ऐड करना चाहिए। नेक्स्ट है, सिंकी एंड खलपी इज प्रिपेयर्ड बाय फर्मेंटेशन ऑफ, तो ये किसके किसके फर्मेंटेशन से ये प्रोडक्ट बनता है, तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे डी, ऑप्शन डी विल बी करेक्ट, रेडिश एंड ककम्बर। नेक्स्ट बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 47 की, विच सिस्टम ऑफ ट्रेनिंग इज ऑल्सो नोन एज क्लोज्ड सेंटर सिस्टम, तो कौन से सिस्टम को हम बोलते हैं क्लोज्ड सेंटर सिस्टम, ठीक है, तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे सेंट्रल लीडर सिस्टम। नेक्स्ट है, पीएच इन सॉयल कैन बी रेज्ड बाय एडिंग, तो सॉयल का पीएच कैसे हम लोग बढ़ा सकते हैं, क्या ऐड करके, तो यहाँ पे लाइम ऐड कर सकते हैं, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। विच प्रोपोगेटिंग स्ट्रक्चर इज हाईली सुटेबल फॉर राउंड ईयर मल्टीप्लीकेशन ऑफ हॉर्टिकल्चर प्लांट, तो कौन सा हो जाएगा आपका यहाँ पे स्ट्रक्चर, तो मिस्ट चैम्बर करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बी। नेक्स्ट है, CBRS इज सिचुएटेड एट, तो CBRS सिचुएटेड कहाँ है, ये आपका तमिलनाडु में है। नेक्स्ट है, विच वेराइटी ऑफ पपाया इज सुटेबल फॉर टूटी फ्रूटी एंड
कैंडी इन कैनिंग इंडस्ट्री, तो कैनिंग इंडस्ट्री के लिए कौन सी जो है कि वैरायटी सुटेबल होती है, तो वो आपकी पूसा जायंट होती है, करेक्ट ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पार्थिनोकार्पिक ग्रेप वैरायटी, ग्रेप्स की कौन सी पार्थिनोकार्पिक वैरायटी होती है, सो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ब्लैक कोरियंथ। नेक्स्ट है, बेल बिलोंग्स टू फैमिली, बेल किस फैमिली से बिलोंग करती है, तो बेल आपकी जो है कि रूटियासी फैमिली से बिलोंग करती है, ओके करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे बेल। रोजियसी फैमिली से आपके सारे रोज़, पीच, प्लम, लैक्वाट, एलमंड, ठीक है, और स्ट्रॉबेरी, ये सारे रोज़ फैमिली से बिलोंग करते हैं, यहाँ पे गुआवा, ठीक है, और यहाँ पे लीची, लीची और रैमबूटान आपके स्पेंडिलियसी फैमिली से बिलोंग करेंगे। नेक्स्ट है 54, सेंट्रल कॉफ़ी रिसर्च इंस्टीट्यूट इज़ लोकेटेड, तो ये कहाँ लोकेटेड है, ये आपका जो है कि बेलाहोर्न में आपका ये प्रेजेंट है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा 54 का ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट बात करेंगे, वोलेटाइजेशन लॉस ऑफ नाइट्रोजन इज़ मिनिमम व्हेन नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर अप्लाई, तो किस नाइट्रोजन फर्टिलाइजर में ये कम होता है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा यूरिया, करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 56 की, इन ड्रेस चार्ट एन बाई के रेशियो इज 1.27, ओके 1.27 उनका जो है कि रेशियो है, इट लाइज इन लोअर साइड ऑफ द जोन ऑफ टेंडेंसी टू न्यूट्रिशनल इम्बैलेंस, सो द चार्ट सो रीडिंग विल बी, तो यहाँ पे चार्ट की रीडिंग क्या होगी, यहाँ पे चार्ट की रीडिंग होगी एन डाउनवर्ड डायगनल एरो, ठीक है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 57, ग्रास टिटेनी इज एसोसिएटेड विथ द डिफिशियंसी ऑफ, तो ये किसकी डिफिशियंसी से होता है, तो ये करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर वन, आपकी मैग्नीशियम की डिफिशियंसी से ये होता है, ओके। नेक्स्ट है, इफ़ रॉक फॉस्फेट RP एंड लाइम आर अप्लाइड टू एन एसिड सॉयल द अप्रोप्रिएट मेथड शुड बी, तो अप्रोप्रिएट मेथड इनका क्या होगा देखते हैं, यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा आपका, RP शुड बी प्लॉग अंडर फर्स्ट इन सब सॉयल एंड देन लाइम इज देन अप्लाइड टू दी सॉयल, जो हमारा रॉक फॉस्फेट है वो हमारे सॉयल में पहले इनकोऑपरेट कर देना चाहिए, फिर उसके बाद जो है हमें लाइम अप्लाई करना चाहिए, ओके। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 59, NADEP कंपोस्टिंग वॉज डेवलप बाई, ये किसके द्वारा कंपोस्ट डेवलप किया गया था, ये पंधारी पांडे के द्वारा ये जो है कि डेवलप किया गया था, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 60, कोहेसिव फोर्स इन क्ले आर मोर ड्यू टू, तो कोहेसिव फोर्स होता है वो क्ले में क्यों होता है, किसकी वजह से होता है, तो यहाँ पे आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ग्रेटर सरफेस कॉन्टैक्ट बिटवीन सॉयल पार्टिकल, ठीक है, सॉयल पार्टिकल। बात करेंगे कोहेसिव और एडहेसिव फोर्सेस की, तो कोहेसिव मतलब CO मतलब कॉमन, एक तरीके से अगर ट्रिक समझा जाए तो कॉमन, और एडहेसिव मतलब होता है, एडहेसिव मतलब जो डिफरेंट पार्टिकल के बीच में जो फोर्सेस लगते हैं, एडहेसिव का मतलब जो फोर्सेस डिफरेंट पार्टिकल के बीच में लगते हैं, ठीक है, फोर्सेस जो है अप्लाइड इन डिफरेंट मॉलिक्यूल, ये होते हैं आपके एडहेसिव और कोहेसिव फोर्सेस, ओके। नेक्स्ट है, विच अमंग द फॉलोइंग टाइप ऑफ सॉइल स्ट्रक्चर मे बी प्रीडोमिनेंटली अवेलेबल इन सॉइल स्ट्रक्चर, तो अगर बात करें तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका डी, प्लेट लाइक एन स्फेरॉइडल जो है यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रेस एलिमेंट शुड बी प्रेजेंट इन एडिक्वेट अमाउंट इन फोडर क्रॉप, तो फोडर क्रॉप में कौन सी जो है कि आपकी प्रेजेंट होती है, तो सेलेनियम आपकी प्रेजेंट होती है, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, ओके। नेक्स्ट बात करेंगे, द मोस्ट रेजिस्टेंट टू वेदरिंग सिलिकेट मिनरल इन अर्थ क्रस्ट, तो यहाँ पे आपका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन, क्वार्ट्ज, ठीक है, क्वार्ट्ज जो है आपका यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट बात करेंगे, सॉयल कंटेनिंग डैश पॉजिज हायर एनायन एक्सचेंज कैपेसिटी, तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे आपका कोलियोनाइट, एक सेकेंड, ए ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट बात करेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग अमेंडमेंट यूज फॉर रिक्लेमिंग सोडिक सॉयल माइक्रोबियल ऑक्सीडेशन इज इन्वॉल्व, तो कौन से जो है कि हम यहाँ पे यूज़ करेंगे, यहाँ पे आपका एलिमेंटल सल्फर यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 66 की, क्वेश्चन नंबर 66 है, डिसॉल्वशन ऑफ पॉजिटिवली चार्ज हाइड्रोक्सिल एल्युमिनियम पॉलीमर फॉर्म्ड इन एसिड सॉयल बाय क्ले मिनरल्स मॉडिफाई द सरफेस केमिस्ट्री इन विच ऑफ द फॉलोइंग वे,
किस तरीके से वो जो है कि सरफेस को मॉडिफाई करता है, तो रिड्यूस कैटायन एक्सचेंज कैपेसिटी, ठीक है, रिड्यूस कैटायन एक्सचेंज कैपेसिटी ये रिड्यूस कर देता है, ठीक है। नेक्स्ट है द पूल ऑफ रिजर्व एसिडिटी इन इज एज वेली हाइएस्ट इन डैश सॉयल, किस सॉयल में पूल रिजर्व कैपेसिटी एसिडिटी ज़्यादा होती है, तो यहाँ पे आपका करेक्ट ऑप्शन होगा यहाँ पे क्ले सॉयल रिच इन ऑर्गेनिक मैटर, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे आपका बी। नेक्स्ट बात करेंगे प्लाज्मोलिसिस इज एसोसिएटेड विथ, किस सॉयल से आपका प्लाज्मोलिसिस एसोसिएटेड है, तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे आपका सी हो जाएगा, सलाइन सॉयल से, ठीक है। नेक्स्ट है द बैक्टीरिया ऑफ थायोबैसिलस जीनस आर एक्टिवली इन्वॉल्व इन, जो थायोबैसिलस बैक्टीरिया होती हैं वो किस में इन्वॉल्व होती हैं, तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी एसिड सल्फेट सॉयल। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर मैच्ड विथ ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर, ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर से आपका कौन सा जो है सेंटेंस मैच करता है, सो यहाँ पे बात करेंगे हम लोग ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, प्रमोट फॉर यूज ऑफ ऑर्गेनिक इनपुट्स टू सस्टेन लॉन्ग टर्म फर्टिलिटी थ्रू इन्हांसिंग बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी कंसिडरिंग लोकल रिसोर्सेज, ठीक है। नेक्स्ट बात करेंगे अगेन ऑर्गेनिक फार्मिंग से ही रिलेटेड क्वेश्चन आ गया, तो ये है आपका द टर्म ऑर्गेनिक फार्मिंग वॉज फर्स्ट कॉइन बाई, जो फर्स्ट जो है टर्म कॉइन किया गया था किसके द्वारा, आपका ऑर्गेनिक फार्मिंग, तो ये आपके जो है कि लॉर्ड नॉर्थ बॉर्न के द्वारा ये डेवलप किया, सॉरी जो टर्म है ये दिया गया था। नेक्स्ट है पेस्ट कंट्रोल बाय चेंजिंग क्रॉप स्पेसिंग इंक्लूड क्रॉप रोटेशन प्रूनिंग वीडिंग इज अ पार्ट ऑफ मेथड, ये किस तरीके का मेथड होता है, ठीक है। यहाँ पे बात करेंगे हम लोग ये आपके जो है कि कल्चरल मेथड्स होते हैं, ओके ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। मैकेनिकल मेथड में कोई भी मशीनरी का यूज़ कर रहे हैं, केमिकल सबको पता है, बायोलॉजिकल में जैसे कि हम लोग प्रीडेटर, ठीक है, और हम लोग जो है कि पैरासिटॉइड यूज़ करते हैं वो बायोलॉजिकल कंट्रोल में आ जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट बात करेंगे एजोला इज़ यूज्ड एज बायो फर्टिलाइज़र, एजोला हम बायो फर्टिलाइज़र की तरह यूज़ करते हैं, तो ये आपके इसमें क्या आएंगे, ये आपके हम यहाँ पे साइनोबैक्टीरिया यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है इफ़ लेबल कैरीज अ USDA ऑर्गेनिक सील हाउ मच ऑफ द प्रोडक्ट मस्ट बी सर्टिफाइड ऑर्गेनिक, ठीक है, यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका 95, ठीक है, बी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट है फर्स्ट विंग्ड इंसेक्ट ओरिजिनेटेड इन, पहली बार विंग्ड इंसेक्ट किस जो है पीरियड में आपके दिखे थे, ठीक है, या ओरिजिनेट हुए थे, सो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका कार्बोनिफेरस पीरियड में। नेक्स्ट बात करेंगे डैश हैज़ टू पेयर ऑफ लेग्स पर सेगमेंट, पर सेगमेंट में दो पेयर आपके मिलते हैं, तो ये आपके डिप्लोपोडा में हो जाएंगे, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा डिप्लोपोडा। नेक्स्ट है स्यूडो होल्डर इन फोर विंग इज फाउंड इन किस जो है आपके क्लास में जो है आपके किस जो है कि ऑर्डर में आपको देखने को मिलता है, तो ये आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर वन स्ट्रेप्टियोस्टेरा, ठीक है। नेक्स्ट बात करेंगे कंपाउंड आइज एंड ओसिली आर इनर्वेटेड बाई, तो ये किसके द्वारा इनर्वेट किया जाता है, ऑप्शन नंबर आपका सही हो जाएगा बी, ठीक है, प्रोटो सेरेबेलम के द्वारा, करेक्ट ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट है अल्टरनेट वेटिंग एंड ड्राइंग इन फील्ड ऑफ पैडी इज डन टू रिड्यूस, जो है पैडी फील्ड में रिड्यूस किसके द्वारा किया जाता है, तो ये आपके जो है कि ब्राउन प्लांट हॉपर के लिए किया जाता है। नेक्स्ट है डैश क्रॉप इज यूज एज अ ट्रैप क्रॉप अगेंस्ट स्पोडिप्टेरा लिट्यूरा, तो ये किसके द्वारा किस क्रॉप के अगेंस्ट किया जाता है, ठीक है, करेक्ट ऑप्शन की बात करेंगे यहाँ पे, तो कैस्टर के लिए यूज़ किया जाता है, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट बात करेंगे अ होस्ट में पास थ्रू अ ससेप्टेबल स्टेज क्विकली इज कॉल्ड, यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन होगा आपका बी होस्ट इवेजन। नेक्स्ट है ओपी इंसेक्टिसाइड कॉमनली यूज अगेंस्ट टर्माइट कंट्रोल इज, तो आपका जो है यहाँ पे क्या करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, यह होगा आपका क्लोरोपाइरोफॉस, ठीक है। नेक्स्ट बात करेंगे विच ऑर्डर इज एक्सक्लूसिवली पैरासिटिक, तो कौन से ऑर्डर जो है कि पैरासाइट होते हैं एक्सक्लूसिवली, मतलब उसमें जो है कि सबसे ज़्यादा पैरासिटिक ऑर्गेनिजम्स पाए जाते हैं, तो यह आपका हो जाएगा थिरेप्टेरा, ठीक है, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है एपोक्रिटा एंड सिम्फाइटा आर द सब ऑर्डर ऑफ, ये किसका सब ऑर्डर होते हैं, ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका हाइमिनोप्टेरा का, हाइमिनोप्टेरा का करेक्ट जो है आंसर हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट है हमारा कैंथेराडीन इज प्रोड्यूस बाय, कैंथेराडीन किस जो है बीटल के द्वारा प्रोड्यूस किया जाता है, सो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे आपका ब्लिस्टर बीटल, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ए। नेक्स्ट है टोमेटो पिन वॉर्म तूता एब्सोल्यूटा
इज इंट्रोड्यूस फ्रॉम डैश कंट्री, किस कंट्री से जो है ये आपका पिन बॉम, टोमेटो पिन बॉम जो है कि इंट्रोड्यूस किया गया था, तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा साउथ अमेरिका। नेक्स्ट है एपिस मेलिफेरा ओरिजिनेटेड फ्रॉम, तो इसे यूरोपियन और इटालियन भी दोनों कहते हैं, तो इटली जो है आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा इटली। ठीक है, नेक्स्ट है इसली ऑफ वेट डिजीज इन हनी बी कॉज्ड बाई, तो ये किस जो है कि ऑर्गेनिजम्स के द्वारा कॉज किया जाता है ये डिजीज़, करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे, करेक्ट ऑप्शन की बात करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा माइट्स के द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट है हॉट डैश इज़ यूज फॉर आर्टिफिशियल ब्रेकिंग ऑफ डाइपॉज इन सिल्क वर्म, कौन सा जो है यहाँ पे यूज़ करेंगे, ऑप्शन नंबर आपका करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे, HCL जो है हम यूज़ करेंगे, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है बाल्ड ब्रूड कंडीशन इन हनी बी कॉलोनी इज़ ड्यू टू, ये किसकी कंडीशन के द्वारा होता है, सो यहाँ पे आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ए। नेक्स्ट बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 91 की, वेलफेयर डिफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक्स वॉज गिवन बाय, ये आपके मार्शल ने दिया था। ठीक है, नेक्स्ट बात करेंगे प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड ऑफ फूड प्रोडक्ट इज जनरली, तो जो भी आपके फूड प्रोडक्ट्स होते हैं उनकी जो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड होती है वो आपकी जो है कि लेस देन वन होती है। ठीक है, लेस देन वन। नेक्स्ट बात करेंगे द डिमांड फॉर लेबर इज, लेबर की डिमांड कैसी होती है, तो ये आपकी जो है कि डेरिवेटिव डिमांड्स होती है। नेक्स्ट बात करेंगे, नेक्स्ट आपका 94 है क्वेश्चन नंबर, 94 क्वेश्चन नंबर क्या बोलता है, सेटेरिस पराबस मींस, जो सेटेरिस पराबस मींस क्या होता है आपका यहाँ पे बताना है आपको। ओके, तो आपका जो है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, एवरीथिंग रिमेनिंग कांस्टेंट, सारी चीज़ को कांस्टेंट रख लेते हैं। ठीक है, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे आपका सी। नेक्स्ट है SBI वॉज नेशनलाइज ड्यूरिंग, किस ईयर में SBI को नेशनलाइज किया गया था, ऑप्शन बी सही हो जाएगा 1955 में। नेक्स्ट है लैंड मोर्टेज बैंक वॉज स्टार्टेड ड्यूरिंग, ये जो है कि पंजाब में स्टार्ट किया गया था, और जो है कि ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा यहाँ पे, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा 1920 यानी कि 1920। नेक्स्ट है NCUI का फुल फॉर्म बताना है आपको, ये क्या होता है, सो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा नेशनल कोऑपरेटिव यूनियन ऑफ इंडिया। ठीक है, नेक्स्ट बात करेंगे ग्रेडिंग ऑफ फूड फॉर एक्सपोर्ट फॉर फर्स्ट इट स्टार्टेड इन, तो ग्रेडिंग किस फूड के लिए की गई थी सबसे पहले, तो सन हेम्प के लिए की गई थी। ठीक है, ग्रेडिंग ऑफ गुड्स फॉर एक्सपोर्ट, तो किस गुड्स के लिए आपका जो है कि एक्सपोर्ट पहली बार स्टार्ट किया गया था, तो ये आपका सन हेम्प के लिए है। नेक्स्ट है हेडक्वार्टर ऑफ एगमार्क, तो ये कहाँ है, तो ये नागपुर में है, इंपॉर्टेंट है और ये जो है कि पॉपुलर क्वेश्चन है। नेक्स्ट है फॉर स्मॉल फार्मर मार्केटेड सरप्लस डैश विथ मार्केटेबल सरप्लस, तो स्मॉल फार्मर के लिए मार्केटेबल मार्केटेड सरप्लस प्लस मार्केटेबल सरप्लस क्या होते हैं, सरप्लस, ये दोनों के दोनों क्या होते हैं आपके बराबर होते हैं, इक्वल होते हैं। ठीक है, यहाँ पे इक्वल होंगे। नेक्स्ट है अ गुड प्लान मस्ट बी, गुड प्लान कोई भी है वो आपका जो है कि फ्लेक्सिबल होना चाहिए। ओके, सो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे सी। नेक्स्ट है इन प्रोजेक्ट साइकिल अप्रेजल सक्सीड, अ प्रोजेक्ट साइकिल अप्रेजल सक्सीड, सो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका फॉर्मूलेशन। नेक्स्ट है फ्यूचर वैल्यू ऑफ प्रेजेंट मनी, फ्यूचर वैल्यू जो है प्रेजेंट मनी की फ्यूचर वैल्यू क्या होने वाली है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका ए सही हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज इरेशनल जोन ऑफ प्रोडक्शन, तो आपका फर्स्ट एंड थर्ड जोन हो जाएगा, सेकेंड जोन आपके जो है कि ये रेशनल जोन होते हैं, ये आपके जो है कि रेशनल जोन होते हैं आपके सेकेंड जोन। ठीक है, नेक्स्ट है टोटल फिक्स्ड कॉस्ट डैश विथ इंक्रीज इन प्रोडक्शन, ठीक है, तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, यहाँ पे हो जाएगा डी रिमेन्स सेम। नेक्स्ट है इफ डेल्टा वन वाई वन अपॉन डेल्टा वन एक्स वन इज ग्रेटर देन डेल्टा एक्स टू वाई टू डेल्टा एक्स डेल्टा टू एक्स टू, तो ये जो है कि किस रिलेशन का रिजल्ट है, किस रिजल्ट रिलेशनशिप का रिजल्ट है, सो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा इंक्रीजिंग। ठीक है, ये ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट है एन एब्स्ट्रैक्ट इज अ प्रिसाइज ऑफ, तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, ये होगा आपका समरी। ठीक है, नेक्स्ट बात करेंगे अ सेमिनार रिफर्स टू द डिस्कशन इन अ डैश ग्रुप, किस ग्रुप को हम जो है कि सेमिनार बोल सकते हैं, तो स्मॉल ग्रुप होते हैं, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 109 की, तो ये है आपका लैटिन वर्ड प्रिसिज्म विच मीन्स, प्रिसिज्म विच मीन्स उसका मतलब क्या होता है, प्रिसिज्म का मतलब आपका ऑप्शन ए हो जाएगा टू कट शॉर्ट। ठीक है, नेक्स्ट है पैरा लैंग्वेज इज डैश
कम्युनिकेशन, किस पैरा लैंग्वेज किस कम्युनिकेशन में आता है, ठीक है। सो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका यहाँ पे नॉन वर्बल। नेक्स्ट है इंड्यूस्ड इंटरप्रेन्योटिक एंड इंटरप्रेन्योरियल टास्क ड्यू टू, तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन क्या होंगे, करेक्ट ऑप्शन हो जाएंगे आपके गवर्नमेंट पॉलिसी। नेक्स्ट है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंटरप्रेन्योर वाज एस्टैब्लिश इन 1993 विथ इट्स हेडक्वार्टर एट, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है वो पूछा है। सो यहाँ पे इनका हेडक्वार्टर गुवाहाटी में हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट बात करेंगे द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ वैल्यू ऑफ मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ वैल्यू चेन इज, वैल्यू चेन की भी मैंने एक जो है क्लास ली थी, आप प्लेलिस्ट से जाके देख सकते हो, ठीक है। यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे टू क्रिएट अ कम्पिटिटिव एडवांटेज बाई एडिंग वैल्यू टू द प्रोडक्ट। नेक्स्ट है सैडो बेंच मार्किंग इज डन, सैडो बेंच मार्किंग कब करते हैं, तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा अगेंस्ट अ कम्पिटिटर विथ सिक्योरिटली। नेक्स्ट हो जाएगा श्रीनिकेतन एक्सपेरिमेंट वॉज स्टार्टेड बाई, श्रीनिकेतन किसके द्वारा जो है कि स्टार्ट किया गया था, तो ये है आपके श्री रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा जो है स्टार्ट किया गया था, ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। नेक्स्ट है मजदूर मंजिल इज रिलेटेड टू, तो ये जो है कि नीलखोरी एक्सपेरिमेंट के द्वारा हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट है विच इज़ नॉट रिलेटेड टू साइबर एक्सटेंशन, साइबर एक्सटेंशन से रिलेटेड कौन सा नहीं है, तो आपका प्रिंटेड न्यूज़पेपर साइबर एक्सटेंशन से रिलेटेड नहीं है, नॉट लिखा हुआ, ठीक है, नॉट लिखा हुआ ध्यान देंगे। नेक्स्ट है हार्ड न्यूज़ इज डैश, एक मिनट एक क्वेश्चन छूट रहा, हाँ ठीक है, तो आपका क्वेश्चन नंबर 18 10118 है, तो ये आपका 118 क्वेश्चन है। हार्ड न्यूज़ इज़, तो हार्ड न्यूज़ क्या होते हैं, हार्ड न्यूज़ आपके जो है कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे, ब्रेकिंग न्यूज़, ठीक है, हार्ड न्यूज़ होते हैं ब्रेकिंग न्यूज़। नेक्स्ट बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 119 की, ऑन इंक्रीज ऑफ शीट फ्लो वेलोसिटी ट्वाइस द ट्रांसपोर्टेशन पावर गेट इंक्रीज बाई, तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन हो जाएंगे सी 32 टाइम्स। नेक्स्ट है EI-30 इंडेक्स मेथड वॉज डेवलप बाई, ये किसके द्वारा ये मेथड डेवलप किया गया था, तो ऑप्शन हो जाएगा USA के द्वारा। नेक्स्ट है इन अ गुड शेल्टर बेल्ट द बेल्ट हाइट एच एंड लेंथ शुड बी इन रेशियो, तो सबको पता है ये रेशियो जो है आपकी 10:1 के रेशियो में होनी चाहिए, हाइट और लेंथ। नेक्स्ट बात करेंगे इन कास्ट आयरन द परसेंटेज ऑफ कार्बन वेरीज फ्रॉम, कास्ट आयरन में जो कार्बन की परसेंटेज वेरी करती है वो आपकी 2.4 से 4.5 तक ये जो है वेरी करती है, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बी। नेक्स्ट है रिपेयर एंड मेंटेनेंस कॉस्ट यूजुअली वेरी बिटवीन डैश परसेंटेज ऑफ इनिशियल कॉस्ट ऑफ मशीन पर ईयर, तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा 5 से 10%, ठीक है। नेक्स्ट बात करेंगे ऑपरेशन साइमल्टेनियसली यूटिलाइजिंग टू और मोर डिफरेंट टाइप ऑफ टिलेज टूल और इम्प्लीमेंट सिंप्लीफाई कंट्रोल और रिड्यूस द नंबर ऑफ ऑपरेशन ओवर फील्ड इज कॉल्ड, तो यहाँ पे क्या करेक्ट ऑप्शन क्या होगा इसका, तो यहाँ पे कंबाइंड टिलेज करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है द डायमीटर ऑफ सन इज डैश किलोमीटर, डायमीटर सन की क्या है, तो कितने किलोमीटर है, वो है आपके 1.39 × 10^6, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट बात करेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 126 की, क्वेश्चन नंबर 126 क्या कहता है इन बायोगैस प्लांट द कंटेनर इन विच डाइजेशन टेक्स प्लेस इज नोन एज, तो इसे क्या बोलते हैं, तो ये आपका जो है कि ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, डाइजेस्टर बोलते हैं इनको। नेक्स्ट है अ स्पेसिफिक रेशियो ऑफ कार्बन टू नाइट्रोजन मस्ट बी मेंटेन बिटवीन, तो किस जो है कि रेशियो में होना चाहिए, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा 20:1 और 30:1 के रेशियो में मेंटेन होना चाहिए। नेक्स्ट है द कैपेसिटी ऑफ कोठार टाइप स्टोरेज स्ट्रक्चर इज, कोठार टाइप की कैपेसिटी कितनी होनी चाहिए, ठीक है, तो ये स्टोरेज से आपका क्वेश्चन पूछा है ये, तो ये आपका जो है कि 9 to 35 टन से होना चाहिए, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 129 की, ये है अ पैडी हैज 20% MC, व्हाट विल बी द MC ऑन ड्राई बेसिस, परसेंट में पूछा है, सो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा यहाँ पे, सी ऑप्शन 25 हो जाएगा करेक्ट। नेक्स्ट है क्रॉस फ्लो ड्रायर द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ ग्रेन्स एंड हीटेड एयर इज, तो क्या करेक्ट ऑप्शन होगा इसका, तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे सी परपेंडिकुलर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 131 इन CIB टेक्निक सी डिनोट्स, तो सी क्या डिनोट करता है, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका यहाँ पे क्रॉसिंग ओवर सप्रेशन। नेक्स्ट है इन DNA डबल हेलिक्स वन कार्बन ऑफ पेंटोज मेक लिंक एट, तो ये कब जो है लिंकेज बनाता है, तो यहाँ पे हो जाएगा वन एन ऑफ
पायरिमिडीन एंड 9-NF-purine. नेक्स्ट है म्यूटेशन ड्यू टू बेस चेंज दैट चेंज अ कोडॉन फॉर एन अमीनो एसिड टू स्टॉप कोडॉन. तो इन्हें क्या बोलते हैं, ये कहलाते हैं आपके नॉन सेंस कोडॉन. ठीक है. नेक्स्ट है एक्रिडीन इंड्यूस म्यूटेशन किसके द्वारा होता है. ठीक है, करेक्ट ऑप्शन होगा आपका यहाँ पे डी इंटरकैलेटिंग इनिशियल ऑफ डीएनए. ठीक है, इनिशिएशन ऑफ डीएनए. नेक्स्ट बात करेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 135 की. ये क्या कहता है, अ हाईली म्यूटेबल साइट विद इन अ जीन आर कॉमनली नोन एज. तो यहाँ पे क्या हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन, सो करेक्ट ऑप्शन होगा आपके यहाँ पे हॉट स्पॉट. ठीक है, नेक्स्ट बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 136 की. 136 क्या कहता है, नेशनल सीड कोऑपरेशन वॉज इनिशिएटेड इन 1961. ठीक है, अंडर द इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च इट वॉज रजिस्टर्ड एज अ लिमिटेड कंपनी इन पब्लिक सेक्टर ऑन. तो यहाँ पे बोल रहा है करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, तो ये हो जाएगा मार्च 1963 में. नेक्स्ट है व्हाट इज़ द डोज ऑफ एमिडा क्लोप्रिड यूज्ड फॉर सीड ट्रीटमेंट. तो इनका कितना डोज होना चाहिए, ये होगा आपका 1 ml/kg ऑफ सीड. ठीक है, 1 ml/kg ऑफ सीड जो है आपका यूज़ होगा इसका. नेक्स्ट है द कंसेप्ट ऑफ सीड विगर ओरिजिनली गिवन इन ईयर 1911 बाई, किसके द्वारा ये जो है कि दिया गया था. तो यहाँ पे आपका जो है कि करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा इसले के द्वारा. ठीक है, ऑप्शन ए यहाँ पे सही हो जाएगा. नेक्स्ट है द फर्स्ट सीड प्रोडक्शन प्रोग्राम वॉज टेम्परेट वेजिटेबल स्टार्टेड इन. तो यहाँ पे जो है कि टेम्परेट वेजिटेबल का प्रोग्राम कहाँ स्टार्ट किया गया था, तो यहाँ पे आपको करेक्ट ऑप्शन बताना है. ऑप्शन यहाँ पे आपका हो जाएगा डी. ठीक है, नेक्स्ट बात करेंगे द प्रोडक्शन पीरियड ऑफ ट्रेड ऑफ सीक्रेट इज. तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्रोटेक्शन पीरियड ऑफ ट्रेड सीक्रेट इज. तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन की बात करेंगे, 140 का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे इनडिफिनिट ड्यूरेशन. नेक्स्ट है इंडियन लॉ ऑफ डिज़ाइन इज प्रिजर्व इन. तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन होगा आपका बी, डिज़ाइन एक्ट 2000. नेक्स्ट है बायोडाइवर्सिटी एग्रीमेंट हैज़ बीन साइंड बाई हाउ मेनी कंट्रीज. बायोडाइवर्सिटी एक्ट जो है कितने कंट्रीज़ के द्वारा जो है कि साइन किया जाता है, तो ये है 18 कंट्रीज़ के द्वारा. ठीक है, सो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे 189. नेक्स्ट है ट्रिटिकम ड्यूरम इज ऑल्सो कॉल्ड. ट्रिटिकम ड्यूरम को और क्या बोलते हैं, ट्रिटिकम ड्यूरम इज ऑल्सो नोन एज मार्कोनी वीट. ठीक है, नेक्स्ट है रिसेंटली रिलीज वैरायटी DBW187 वॉज डेवलप बाई, ये किसके द्वारा डेवलप किया गया है. ठीक है, ये बताना है आपको, ये आपका जो है कि IIWBR करनाल के द्वारा. ठीक है, करेक्ट ऑप्शन क्या होगा यहाँ पे, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका डी. ठीक है, नेक्स्ट बात करेंगे हम लोग ऑर्गेनाइजेशन एसोसिएटेड विद द इम्प्रूवमेंट ऑफ काबुली टाइप चिकपी. कौन सा ऑर्गेनाइजेशन जो है कि काबुली टाइप चिकपी के लिए रिस्पॉन्सिबल है उनकी इम्प्रूवमेंट के लिए, तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका ICARDA. ठीक है, डी ऑप्शन सही हो जाएगा. नेक्स्ट है मल्टी कार्पिलरी सिन कार्पस गाइनोसियम एंड यूनिलोकुलर वेराइटी इज अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ, ये किसकी कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे क्रूसीफेरस फैमिली के. ठीक है, क्रूसीफेरस फैमिली के. ठीक है, कोल फैमिली भी जिसे बोलते हैं, यानी कि ब्रैसिकेसी फैमिली भी जिनको बोलते हैं. ठीक है, नेक्स्ट बात करेंगे मोइट्री इज एन इम्पॉर्टेंट वैरायटी विच इज यूज्ड एज अ नेशनल चेक टू कंपेयर इल्ड परफॉर्मेंस इन AICRP ट्रायल फॉर. तो जो मोइट्री है किसकी इम्पॉर्टेंट वैरायटी है, ठीक है, ये बताना है आपको. ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा आपका, लेंटिल्स. ठीक है, नेक्स्ट है HSI इज कैलकुलेटेड फॉर द स्ट्रेस टॉलरेंस एसोसिएटेड विथ, ये किसके द्वारा एसोसिएटेड है, ये आपका हीट से एसोसिएटेड. ऑप्शन बी सही हो जाएगा. नेक्स्ट है इन इंडिया बायोफोर्टिफाइड वैरायटी विथ आयरन एंड जिंक कंटेंट रिलीज फॉर वीट. तो कौन सी वैरायटी आपकी है यहाँ पे, आपको ये बताना है. ये आपकी WB2 है, यहाँ पे आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा. ओके, नेक्स्ट है मिनिमम एरर डिग्री ऑफ फ्रीडम फॉर कंडक्टिंग एनी टाइप ऑफ फील्ड एक्सपेरिमेंट विल बी, किसी तरीके का जो है कि एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं उसमें मिनिमम डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना होना चाहिए, वो 12 आपका होना चाहिए एरर के लिए. ठीक है, नेक्स्ट बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 151 की, यह है कंप्यूटर से रिलेटेड. ठीक है, फॉर्मूला फॉर MS Excel
बिगिंस विथ जो है फॉर्मूला एम एक्स एक्सएल का कहाँ से शुरू होता है, यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन क्या होगा आपका, यहाँ पे हो जाएगा इज इक्वल से, ठीक है ठीक है, ए हो जाएगा सही। डी ओ एस डॉस हैज़ डैश यूज़र इंटरफेरेंस, तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन क्या होगा इसका, बी हो जाएगा कैरेक्टर। नेक्स्ट है टेक्नोलॉजी दैट प्रोवाइड एक्सेस टू इन्फॉर्मेशन थ्रू टेक्नो टेली कम्युनिकेशन मीडिया, यहाँ पे क्या करेक्ट ऑप्शन होगा, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ICT, ठीक है करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे ICT, ठीक है। नेक्स्ट है इन सिमेट्रिक और नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है सिमेट्रिक और नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन आपका क्या होगा यहाँ पे, तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे दिखा रहा है आपका वो हो जाएगा सेकेंड, मीन मीडियन मोड, ठीक है मीन मीडियन मोड आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट है सू साइज ऑफ द मोस्ट ऑफ द पीपल इन इंडिया इज 7, विच मेजर ऑफ सेंट्रल वैल्यू इज डज रिप्रेजेंट, तो ये किस वैल्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, मोड वैल्यू से। नेक्स्ट है क्वेश्चन हमारा इफ बी वाई एक्स इज इक्वल टू -3/2 और बी वाई एक्स इज इक्वल टू -1/3 देन को रिलेशन कोफिशिएंट आर इज, तो को रिलेशन कोफिशिएंट बताना है आपका, करेक्ट ऑप्शन क्या होगा यहाँ पे, तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा -3/2, ठीक है। नेक्स्ट है विथ 90, 35, 25 SSR, SST रिस्पेक्टिवली इन द केस ऑफ RBD, SSE, यहाँ पे क्या होगा करेक्ट ऑप्शन, करेक्ट ऑप्शन की बात करेंगे तो यहाँ पे सी यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका, सी विल बी करेक्ट ऑप्शन 30। लार्ज सैम्पल थ्योरी इज अप्लीकेबल व्हेन, लार्ज सैम्पल थ्योरी कब है, ठीक है कब अप्लीकेबल होगा वहाँ पे, जब जो है एन की वैल्यू मोर देन 30 होगी, एन की वैल्यू जो है मोर देन 30 होगी, ठीक है एन से एन जो है बड़ा होगा आपके 30 से। नेक्स्ट है एन अल्फा हेलिक्स रिप्रेजेंट, अल्फा हेलिक्स क्या रिप्रेजेंट करता है आपका, तो यहाँ पे सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ अ प्रोटीन ये रिप्रेजेंट्स करता है। नेक्स्ट है हाई साइटोकाइनिन ऑक्सिन रेशियो क्या होता है, तो ये क्या जो अगर साइटोकाइनिन अपॉन ऑक्सिन का रेशियो ज़्यादा है वहाँ पे क्या होगा, वहाँ पे आपका डिफरेंशिएशन ऑफ शूट्स, ठीक है करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे ए। नेक्स्ट है बेनिफिट ऑफ इम्प्लीमेंटिंग HACCP अपॉन ISO 2000, तो यहाँ पे बेनिफिट क्या होंगे, ठीक है करेक्ट ऑप्शन बताना है आपको, तो यहाँ पे सारे बेनिफिट्स हो सकते हैं आपको, ठीक है बाई प्रिवेंटिव अप्रोच टू फूड सेफ्टी, रिड्यूस द नीड फॉर एंड कॉस्ट ऑफ इन प्रोडक्ट टेस्टिंग, कैन हेल्प आइडेंटिफाई प्रोसेस इंप्रूवमेंट एंड रिड्यूस कस्टमर कंप्लेंट्स, ऑल ऑफ दी अबव यहाँ पे हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा अकॉर्डिंग टू कोडेक्स स्टैंडर्ड विच ऑफ द फॉलोइंग फूड आइटम इज हाइपर सेंसिटिव, कौन से जो है कि प्रोडक्ट आपके हाइपर सेंसिटिव होते हैं, तो हर इंसान के लिए हाइपर सेंसिटिविटी अलग होती है, वो मिल्क प्रोडक्ट से भी हो सकती है, नट से भी हो सकती है और सीरियल से भी हो सकती है। नेक्स्ट डेयरी फार्मिंग जनरेट टाइम्स मोर एम्प्लॉयमेंट पोटेंशियल देन क्रॉप फार्मिंग, कितने परसेंट आपकी जो है कि ज़्यादा ये फार्मिंग देते हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा 5% ज़्यादा। नेक्स्ट है इंडिया रैंक फर्स्ट इन मिल्क प्रोडक्शन अकाउंटिंग फॉर परसेंट ऑफ वर्ल्ड प्रोडक्शन, कितने प्रोडक्शन आपका वर्ल्ड का देता है ये, आपका 18.5%, यानी कि सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है सेलेनियम अ ट्रेस एलिमेंट इज एसोसिएटेड विद, तो जो सेलेनियम है वो ट्रेस एलिमेंट होता है, किस जो है विटामिन से रिलेटेड होता है, तो ये आपका ई से रिलेटेड है, विटामिन ई से, ठीक है करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे विटामिन ई। विटामिन ई करेक्ट ऑप्शन रहेगा। नेक्स्ट है ऑन एन एवरेज द डेयरी एनिमल शुड बी डैश डे ऑफ ड्राई पीरियड, कितना जो है उनका ड्राई पीरियड होना चाहिए, तो वो आप हो जाएगा आपका 2 महीने, यानी कि 60 days, ठीक है करेक्ट ऑप्शन रहेगा 60 days। विच वन फ्रॉम प्रोटीन कवर ऑफ वायरस, कौन सा प्रोटीन कवर है वायरस का, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा कैप्सीड, ठीक है कैप्सिड ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट है एंटीबायोटिक्स आर मोस्ट प्रिपेयर्ड फ्रॉम, तो जो एंटीबायोटिक्स होते हैं वो कहाँ से प्रिपेयर्ड होते हैं, तो ये आपका जो है कि करेक्ट ऑप्शन होगा बी विल बी करेक्ट ऑप्शन एक्टिनोमाइसिट्स। या हम लोग यहाँ बात कर रहे थे 165 की, ठीक है
यहाँ पे हम लोग बात कर रहे थे 165 की कि सेलेनियम एक ट्रेस एलिमेंट है, वो किस विटामिन में पाया जाता है। तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे आपका विटामिन ए। नेक्स्ट है ऑन एन एवरेज द डेयरी एनिमल शुड बी गिवन, तो डेयरी एनिमल को कितना देना चाहिए, कितना आपका जो है कि ड्राई पीरियड उनका होना चाहिए। तो यहाँ पे आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा 166, ठीक है, सॉरी 166 का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बी, ठीक है। नेक्स्ट है विच वन फ्रॉम प्रोटीन कवर ऑफ वायरस, वायरस का प्रोटीन कवर होता है आपका कैप्सिड, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट है एंटीबायोटिक्स आर मोस्टली प्रिपेयर्ड फ्रॉम, तो एंटीबायोटिक्स कहाँ मोस्टली कहाँ से प्रिपेयर किए जाते हैं, तो ऑप्शन हो जाएगा बी करेक्ट हो जाएगा, जो कि आपके एक्टिनोमाइसिट्स होते हैं। नेक्स्ट है एपिटोप आर प्रेजेंट इन, एपिटोप्स कहाँ प्रेजेंट होते हैं, सी सो यहाँ पे 169 का करेक्ट ऑप्शन होगा आपका डी, नन ऑफ द अबव। नेक्स्ट है CIFE is located at, जो CIF है वो कहाँ located है, ठीक है, करेक्ट ऑप्शन आपको बताना है यहाँ पे, तो ये आपका डी हो जाएगा मुंबई, ठीक है। नेक्स्ट बात करने वाले हैं हम लोग 171 की, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स थायोबैसिलस इन्वॉल्व इन ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ, ठीक है, तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बी सल्फर, ठीक है। नेक्स्ट है इंजाइम नाइट्रोजिनेज इज फाउंड इन, जो इंजाइम नाइट्रोजिनेज है वो कहाँ मिलता है हमें, तो साइनोबैक्टीरिया में मिलता है, ठीक है। द एडवांटेज ऑफ प्लांट इन माइक्रोराइजल एसोसिएशन, तो यहाँ पे क्या होगा आपको करेक्ट ऑप्शन, तो यहाँ पे सारा ही हो जाएगा, सॉरी यहाँ पे होगा आपका इंक्रीज मिनरल अब्सॉर्प्शन। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट स्ट्रक्चर ऑफ ग्राम पॉजिटिव सेल वॉल, ठीक है, करेक्ट ऑप्शन क्या होगा यहाँ पे डी हो जाएगा, यहाँ पे ऑल ऑफ द अबव, ठीक है। नेक्स्ट है खैरा डिजीज ऑफ पैडी इज ड्यू टू डिफिशियंसी ऑफ, तो खैरा डिजीज आपकी जो है कि किससे एसोसिएटेड है, किस जो है कि डिफिशियंसी से, किसकी एलिमेंट की, तो जिंक की डिफिशियंसी से। नेक्स्ट है फंगस प्रोड्यूसिंग कोनिडिया आइदर बाई पिकनीडिया और एसर विलॉय बिलोंग्स टू, तो ये किस जो है कि उससे बिलोंग करते हैं, सो यहाँ पे आपका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, करेक्ट ऑप्शन है यहाँ पे आपका बी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है पैथोजन रिस्पॉन्सिबल फॉर चारकोल रॉट ऑफ सोयाबीन, ठीक है, चारकोल रॉट ऑफ सोयाबीन के लिए कौन सा जो है कि आपका पैथोजन रिस्पॉन्सिबल है, तो ये है आपका माइक्रोफोमिना फेजियोलिना, ठीक है, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका 178 द स्क्लेरोटिया ऑफ एर्गोट डिजीज इल्ड एंड एल्कोलाइड एर्गोटीन विच वेन एसिमिलेशन इन ब्लड मैन एंड कैटल अफेक्ट, तो ये क्या अफेक्ट करता है आपका, मेनली आपका जो है ये नर्वस सिस्टम आपका कैटल का इफेक्ट कर देता है, और नर्वस सिस्टम इफेक्ट हुआ और कैटल वहाँ पे आपका मर जाता है। नेक्स्ट है पाइथोप्थोरा बिलोंग्स टू फैमिली, जो पाइथोप्थोरा है या किस फैमिली से बिलोंग करते हैं, सो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका पिथियसी फैमिली से। नेक्स्ट है द टेलियोस्पोर ऑफ कॉफी लीफ रस्ट पैथोजन इज, सो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे डंबल शेप। नेक्स्ट है कंप्यूटराइज डिजीज असेसमेंट ट्रेनिंग प्रोग्राम इज, तो जो कंप्यूटराइज डिजीज असेसमेंट प्रोग्राम होता है उन्हें क्या बोला जाता है, सो यहाँ पे आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा डिस्ट्रेन, ठीक है। नेक्स्ट है फाइटोप्लाज्मास कंटेन, फाइटोप्लाज्मा क्या क्या कंटेन करते हैं, तो ऑप्शन सी हो जाएगा आरएनए प्लस डीएनए। नेक्स्ट बात करेंगे मोस्ट सिग्निफिकेंट रीजन वाई फंजाई आर नॉट इन किंगडम प्लांटी इज दैट, तो कौन सा आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो है कि रीज़न है यहाँ पे कि फंजाई जो है कि आपके प्लांट के पार्ट नहीं है, तो ये क्या हो जाएंगे कीमो ऑर्गेनोट्रॉफिक हेटरोट्रॉफिक, ठीक है, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ए, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 184 स्टाइलेट बॉर्न वायरसेस, तो स्टाइलेट बॉर्न वायरसेस क्या होते हैं, सो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे नॉन परसिस्टेंट टाइप के, ठीक है। नेक्स्ट है वाटर मोल्स बिलोंग्स टू डिवीजन, जो वाटर मोल्स होते हैं वो किस डिवीजन से बिलोंग करते हैं, ठीक है, सो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे आपका ओमाइकोटा, ठीक है। नेक्स्ट बात करेंगे पार्शियल स्टेम पैरासाइट, ठीक है, यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका मिसिस्टोय, ठीक है। नेक्स्ट बात करेंगे, ठीक है, आपका सडन एंड कम्प्लीट विल्टिंग इन कॉटन ड्यू टू, तो अगर सडन विल्टिंग हो जाती है कॉटन की तो वो किसकी वजह से होती है, तो ये होती है आपकी रूट रॉट बाई राइजोक्ट्रिनिया सोलेनाई, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ए। नेक्स्ट है लूज स्मट ऑफ वीट कैन बी कंट्रोल बाई, तो लूज स्मट ऑफ वीट किसके द्वारा हम कंट्रोल करते हैं, ठीक है, करेक्ट ऑप्शन की बात करेंगे यहाँ पे तो सॉयल ट्रीटमेंट करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट है ब्लैक हर्ट इज अ फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर ऑफ, ब्लैक हर्ट आपका पोटैटो का करेक्ट जो है डिसऑर्डर होता है। नेक्स्ट बात करेंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट सिम्टम ऑफ विल्ट ऑफ कॉटन कॉज्ड बाई फ्यूजेरियम ऑक्सिस्पोरम फॉर्मल स्पीसीज वेरी वास इन्फेक्टम, ये किसके द्वारा होता है, करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे
सी हो जाएगा डिसकलरेशन ऑफ टिश्यू एंड प्लगिंग ऑफ वेसल बाय हाइफे। ठीक है, नेक्स्ट बात करेंगे 191 की, द बेस्ट वे टू कंट्रोल द डिजीज स्प्रेड ऑफ स्मट ऑफ सुगर केन। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन, करेक्ट ऑप्शन होगा आपका यहाँ पे ऑल ऑफ द एबव। ओके, ऑल ऑफ द एबव यहाँ पे आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट बात करेंगे, रोगोस सिम्टम इज कॉज्ड बाई, जो रोगोस सिम्टम होते हैं वो किसकी वजह से होते हैं, तो ये आपके पोटैटो वायरस एक्स की वजह से होते हैं। नेक्स्ट है, द मोस्ट एक्यूरेट फार्मूला यूज फॉर एस्टिमेशन ऑफ वॉल्यूम ऑफ लॉग, तो कौन सा फार्मूला सबसे मोस्ट होता है, तो ये न्यूटन फार्मूला हम यूज़ करते हैं यहाँ पे। नेक्स्ट है, एज पर द नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी फॉरेस्ट कवर इन द कंट्री शुड बी, फॉरेस्ट कवर कंट्री में कितना होना चाहिए, तो यहाँ पे आपका 33% ऑफ टोटल जियोग्राफिकल एरिया, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल वॉज साइन इन ईयर, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल किस ईयर में साइन किया गया था, सो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे आपका हो जाएगा 1987 में। ठीक है, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे ए 1987 में। नेक्स्ट है, ग्लोबली क्वांटिटी ऑफ फ्रेश वाटर अवेलेबल ऑन अर्थ सरफेस इज अबाउट, तो यहाँ पे अर्थ सरफेस कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2.5%। नेक्स्ट है, C19H25O6 इज, तो ये किसका फॉर्मूला है, किस जो है कि जिब्रेलिन एसिड का फॉर्मूला है, तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे बात करेंगे ये हो जाएगा बी का। नेक्स्ट है, रूट प्रेशर कैन बी मेजर बाई, तो रूट प्रेशर आपका मैनोमीटर के द्वारा किया जाता है। ठीक है, बैरोमीटर के द्वारा आपका प्रेशर मेजर किया जाता है, ऑक्सीनोमीटर के द्वारा प्लांट की ग्रोथ मेजर की जाती है। ठीक है, नेक्स्ट बात करेंगे लास्ट क्वेश्चन, सेकंड लास्ट क्वेश्चन की, सेकंड लास्ट क्वेश्चन क्या कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिड्यूसिंग शुगर, रिड्यूसिंग शुगर किसे कहते हैं, तो आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा आपका ग्लूकोज। नेक्स्ट है लास्ट क्वेश्चन, परसेंटेज ऑफ टोटल कैलोरीज ऑप्टेन फ्रॉम कार्बोहाइड्रेट शुड बी बिटवीन, टोटल कैलोरीज कार्बोहाइड्रेट द्वारा कितनी प्राप्त होती है, तो ये इनकी रेंज कितनी होती है, तो आपका 50-60% होती है। ठीक है, तो आप अपना जो है कि आंसर मैच करिएगा और कमेंट करके प्लीज़ बताइए कि आपके कितने क्वेश्चन सही हैं। ठीक है, और जुड़िए हमारे साथ हमारे एग्रीकल्चर एंड जीके ऐप पे, जिसपे हम आपको फ्री कोर्सेज अवेलेबल करा रहे हैं, प्लस आपको जो है कि बहुत सारे वहाँ पे फ्री के पीडीएफ प्रोवाइड कर रहे हैं, प्लस आपको इस समय हमारे 1,00,000 सब्सक्राइबर होने की खुशी में हम जो है कि आपको वहाँ पे डिस्काउंट भी अपने हर कोर्सेज पे प्रोवाइड कर रहे हैं। तो प्लीज़ जुड़िए हमारे साथ एग्रीकल्चर एंड जीके ऐप के साथ, और हम आपको जो है कि डिफरेंट सोशल मीडिया पे भी हमें फॉलो करना है, जैसे कि टेलीग्राम और इंस्टाग्राम, और आप हमें फॉलो कर सकते हैं हमारे YouTube चैनल पे, आपको फॉलो करना ही है, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, और अपने दोस्तों से भी बोलिए कि अपने आंसर की को मैच करें। ठीक है, थैंक यू सो मच, पढ़ते रहिए लगातार और अपनी मेहनत करते रहिए। ठीक है, थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।